So now we can say this is the setup of post office box. देखो होता क्या है इसमें, यहाँ पे क्यू रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मतलब इनमें क्या है, वही प्लग्स लगे हुए हैं कि अगर हमें कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए, मान लो 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो 10 ओम का प्लग खींच दिया, तो ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम हो जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, मान लीजिए कैपिटल बी, ठीक है, इस पॉइंट को हमने कैपिटल बी नाम दे दिया, और बी और स्मॉल ए के बीच में कौन लगा है, क्यू, समझ आ रही है। और क्यू क्या है, वेरी किया जा सकता है, क्योंकि हम ये जस्ट लाइक रजिस्टर बॉक्स देखा है आपने, रजिस्टर बॉक्स, ठीक है, जो रजिस्टर बॉक्स होता है ना, वही वैसा ही क्या होता है ये, हम इसमें से प्लग खींच के इसका बना सकते हैं कि यहाँ पे Q की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं, बट एक लिमिट तक करा सकते हैं, क्योंकि Q की जो ऑप्शंस होते हैं वो कम होते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Q की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। ऐसे ये P लगा हुआ है, P स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में लगा हुआ है, क्या, स्मॉल a एंड कैपिटल A के बीच में लगा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे भी ऐसे ही हम इसको वेरी करा सकते हैं, स्मॉल अमाउंट तक हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कम प्लग्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो पी भी क्या है, एक रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है जो कि किस किस के बीच में, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए के बीच में लगा हुआ है। जैसे मैं समझा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे, पूरा डायग्राम मत देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पी भी वेरी कराया जा सकता है, क्यू भी वेरी कराया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, एज अ रजिस्टर बॉक्स, क्या है कि प्लग खींच लो तो वही क्या है, हमारे को रजिस्टर मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्टेंस वही मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि कैपिटल ए से ये देखो रजिस्टेंस लगे हुए इतने सारे रजिस्टेंस, ये जो रजिस्टेंस लगे हुए हैं ना वो एक साथ ही लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं आर रजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इस रजिस्टेंस को बोलते हैं आर। R कैसे, कि मान लो हमें 10 ओम का, R की वैल्यू 10 ओम चाहिए, तो 10 ओम चाहिए तो 10 ओम का खींच दो, ठीक है ना। अगर हमको R की वैल्यू 25 चाहिए तो 10 ओम के 25 चाहिए तो एक 20 का खींच दो, एक 5 का खींच दो, समझ आ रही है। R की वैल्यू मुझे मान लीजिए 550 चाहिए तो एक 500 का खींच दीजिए, एक 50 का खींच दीजिए, समझ आ रही है। तो R की वैल्यू मान लीजिए मुझे 1000 चाहिए तो 1000 का खींच दीजिए। तो ऐसे हम R की वैल्यू को वेरी करा सकते हैं, मतलब R भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि कैपिटल A एंड स्मॉल B के बीच में लगा हुआ है, किसके बीच में, कैपिटल A एंड स्मॉल B के बीच में लगा हुआ है। इसको हम बड़ी रेंज तक वेरी कर सकते हैं, मतलब क्या है कि अगर P और Q को आपने फिक्स कर दिया है तो हम इसमें क्या है कि बहुत बड़ा होता है, इसमें ये मान लो बॉक्स बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्या होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो इसमें हम वेरी कराने के ऑप्शन ज्यादा है, कि मान लीजिए 1 से हम ये मान लीजिए बहुत 2-3000 तक हम क्या रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे, समझ आ रही है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी रेंज का रेजिस्टर हम मान सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आर, और जो लगा कहाँ है, कैपिटल ए एंड बी के बीच में, ठीक है। क्यू और पी को हम क्या इतना वेरी नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर कम ही क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एस, एस है अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस सेटअप की मदद से इस अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, समझ आ रही है। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पड़े रहते हैं, अब हमको एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस इसका है कितना, तो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेटअप को यूज करते हैं, और दिस इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है, हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस एस, और जो किसके, कैपिटल बी और किसके बीच में लगा है, स्मॉल बी के बीच में लगा है, कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, कि जब भी हमको निकालना होता है तो क्या करें, यहां के दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। और देखो ए जो कनेक्टेड होता है ना, ए पॉइंट इंटरनली कनेक्टेड होता है, सेटअप में ऊपर दिखता नहीं है, वायरिंग नहीं दिखती इसकी, समझ आ रही है, इंटरनली कनेक्टेड होता है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लाइन से बनाया है। और ये जो कनेक्टेड होता है वो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, कौन सा, ये देखो ए जो कनेक्टेड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से, देखो ये देखो इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करें कि बी, जो बी पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो उसका दूसरा पॉइंट स्मॉल ए से कनेक्टेड होता है, मतलब बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। तो होता कैसा है सिस्टम, मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने क्या किया कि ये सेटअप को हम बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब क्या है कि ये जो जैसे ये लगा हुआ है ना, ये जो सेटअप लगा हुआ है ना बेसिकली इसका जो इसका जो डिजाइन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन जाता है। वो मैं बताता हूँ कि कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन जाता है। अगर मैं रख लूँ मान लीजिए
ए को यहां रख लूं और बी को यहां रख लूं, मान लीजिए बी पॉइंट यहां रख लिया, ए पॉइंट यहां रख लिया कैपिटल बी, और यहां पे मान लीजिए स्मॉल ए रख लिया आपका, और यहां पे मान लीजिए मैंने स्मॉल बी रख लिया, तो इसको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखने की कोशिश करें कि कैसे ये लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो होगा क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये अगर की को देखा जाए, ये की को देखा जाए, ये क्या है, की है आपकी की, ठीक है। ये की जो है वो किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। मतलब अगर मान लीजिए कोई मेरे पास में यहां पे की है, ठीक है, ये मान लीजिए यहां पे कोई की है, ठीक है, ये कुछ की है जो कि एक वायर में लगी हुई है, ठीक है। ये की किससे कनेक्टेड है, देखो कैपिटल ए से कनेक्टेड है, तो इसको कैपिटल ए से मैंने मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो की है उसका एक देखो बैटरी से कनेक्टेड है, ये देखो बैटरी से कनेक्टेड है, तो मतलब एक सिरे की बात करें तो दिस इज कनेक्टेड विद द बैटरी, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे, कैपिटल बी से कनेक्टेड है। तो ये भैया आपका रहा कैपिटल बी से कनेक्शन, ठीक है। तो जो बैटरी है वो तो हमारी कनेक्ट हो गई, और बैटरी किसके साथ कनेक्ट हो गई है बताइए, कैपिटल बी के साथ हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम देखें कैपिटल बी और ए के बीच में कौन लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है। कैपिटल बी और ए के बीच में हमारा जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा क्यू, ठीक है। और अगर हम देखें ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के बीच में लगा हुआ है पी, क्या लगा हुआ है हमारा पी, तो ये हमारा लगा हुआ है पी, ठीक है। अगर हम एक और चीज देखें, ए आर किसके बीच में, ए और बी के बीच में आर लगा हुआ है, ए और बी के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है, हमारा ये आर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर एक और देखें बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी, देखो स्मॉल बी और कैपिटल बी के बीच में कौन लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये आपका लगा हुआ है एस, तो ये आपका एस लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये एस लगा हुआ है, और स्मॉल ए, स्मॉल ए किधर है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, देखो स्मॉल बी और ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड किससे, स्मॉल ए, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है अपना, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये सेटअप अगर देखें तो ये बिल्कुल ये वाला व्हीट्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स को हम बिल्कुल एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सेटअप में हम कन्वर्ट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि ये सेटअप ऐसे कन्वर्ट करके अब हम देखते हैं कि P, Q और R इन तीनों को हम क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, और हमको R क्या है निकालना होता है, R की वैल्यू क्या करनी होती है हमको निकालनी, सॉरी S की वैल्यू हमको क्या करनी होती है, निकालनी होती है, और P, Q, R को हम वेरी करा सकते हैं, S की वैल्यू हमको निकालनी होती है, S की वैल्यू हमको क्या करनी होती है, निकालनी होती है। तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि हम P और Q मान लीजिए फिक्स करा दिए, ठीक है, P और Q मान लीजिए फिक्स करा दिए, और R को हम वेरी करा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है R, ठीक है। उससे हम देखते हैं कि ये S की वैल्यू आती कैसे, वो ऐसे आती है कि अगर हम कहें, अगर हम कहें कि P इंटू S, P इंटू S, P इंटू S अगर किसके इक्वल हो जाए, Q इंटू R के, Q इंटू R के इक्वल हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि है, कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई बाय ये शुड बी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये, जब ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें, इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब हम करते क्या है कि यहां से देखो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एस की वैल्यू आ रही है क्यू आर अपॉन पी, ठीक है, ये QR upon P वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब करते क्या है, मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल की बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में मान लीजिए P की वैल्यू ले ली आपने 10, ठीक है, और Q की वैल्यू ले ली मान लो आपने 500, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज तो ज्यादा वेरी करा नहीं सकते, P Q वेरी किसको करा सकते हैं, R को। तो अब क्या करते हैं, ऐसे करने के बाद में ये यहां पर S की वैल्यू देखी जाए, S की वैल्यू देखी जाए जो अननोन रेजिस्टेंस है, वहां की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 500 अपॉन 10 इंटू आर, तो मतलब ये आ रही है आपकी 50 आर, ठीक है। अब क्या किया जाता है, एस आर को वेरी किया जाता है,
आर को वेरी किया जाता है, मान लीजिए आर को वन निकाला, टू निकाला, थ्री निकाला, फोर निकाला, ऐसे हम आर को वेरी करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, पर एक टाइम आता है कि जैसे आर को वेरी करते गए तो एक टाइम वो आ जाता है कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाता है, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं अच्छा यही आर की वैल्यू है, उसके लिए एस की वैल्यू आ जाती है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई। समझ आ रही? जैसे कि आर इक्वल टू 10 ओम पे मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो है, आर इक्वल टू 10 पे डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो है, इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 10। समझ रहे? आर इक्वल टू 10 पे मान लो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो है, तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 × 10। बात समझ आ रही है? तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एस, कैसे, मान लो जो पी और क्यू की वैल्यू फिक्स कर ली, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू फिक्स कर ली, मान लीजिए अभी जैसे 500 ली, तो मान लीजिए कुछ ले लिया, मान लीजिए कुछ पास पास ले लीजिए, मान लीजिए 20 ले ली, ये 20 ले ली, तो ये 20 ले ली तो ये कितनी हो जाएगी, बोलो, ये हो जाएगी 20 बाय, ये हमारी 20 बाय 10, 20 बाय 10 का मतलब ये 2R, 20 बाय 10 की मतलब ये 2R, और ये 2R हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इजीली कि S की वैल्यू 2R के इक्वल हो गई। अब 2R को क्या है, 2R में R को हम वेरी करा सकते हैं क्योंकि रेंज हमारे पास बहुत है आर में, ठीक है, तो रेंज में आर को वेरी कराते जाते कराते जाते कराते जाते, जैसे ही हम आर को वेरी करा करा के, मान लो एक समय ऐसा आ गया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का जीरो का मतलब कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है कि एस शुड बी इक्वल टू 2R। समझ आ रही है नहीं आ रही? मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये ध्यान रहे कि उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि एस की वैल्यू हम इजीली वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, नेट डिफ्लेक्शन जीरो से, नेट डिफ्लेक्शन जीरो से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट डिफ्लेक्शन जीरो से हम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हम यहां पे निकाल सकते हैं। लिखिए, सो नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज। देखो क्या है, मैं बताऊं आपको कि ये एक, मान लीजिए एक लकड़ी का एक बोर्ड है जिस पर क्या ये सेटअप, मान लीजिए कुछ ऐसा बनाया है, ये क्या है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, ये जो ग्रीन से मैंने बनाई है ना वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। क्या है ये, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। ये देखो ए और सी, ए और सी के बीच में एक वायर लगा हुआ है, क्या है, रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है, जिसके लिए अगर मैं बोलूं, जिसका रेजिस्टेंस के बारे में अगर बोलूं तो वो है लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। क्या है, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। रेड कलर में जो ए और सी के बीच में वायर लगा है वो क्या है, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर इसका क्या है, रेजिस्टेंस। और अगर एक और बात करूं, किसकी मैं बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो इसकी जो लेंथ होती है इस वायर की वो होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी वायर की, 100 सेंटीमीटर। दिस वायर इज ऑफ 1 मीटर, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये वायर जो होता है 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और सुनिए मेरी बात कि वायर ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में क्या एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है, वी का, ठीक है। तो ए और सी के बीच में ही, ये देखो ए पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो चाहे बैटरी को यहां कनेक्ट करो चाहे यहां करो, बात बराबर है, ठीक है। ये भी कंडक्टिंग पूरी प्लेट है, तो चाहे हम सी पॉइंट यहां पे भी होगा, सी पॉइंट यहां, सी बी पॉइंट यहां, क्यों, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं दिस इज कंडक्टिंग प्लेट। ऐसी ये कंडक्टिंग प्लेट है, यहां का पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम है, ऐसे ही ये वाली पूरी कंडक्टिंग प्लेट, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अब एक बात और मैं बताऊं, ए एंड बी के बीच में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है, रेजिस्टेंस वेरी करने का काम करता है, ठीक है ना। हमको कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए तो वो ये हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे हमने लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स और बी और सी के बीच में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया एस। बी और सी के बीच में क्या लगा दिया हमने, एक अननोन रेजिस्टेंस S, जिसको हमें मीटर ब्रिज की हेल्प लेकर निकालना होता है, समझ आ रही है। और एक और काम करते हैं, एक जोकी होती है, जोकी जिसके बारे में आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं कि जोकी जो होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसमें ये वायर लगा रहता है और ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कंडक्टिंग मटेरियल की जोकी बनी होती है, ठीक है। ये जोकी किसकी बनी होती है, ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है जोकी,
और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इसमें पूरा का पूरा क्या है कि करंट इधर से इधर ट्रांसफर हो सकता है, और इस पे जो कोटिंग होती है वो कोटिंग होती है प्लास्टिक की, कुछ कोटिंग होती है जिससे कि हमें करंट ना लगे। तो ये ऐसी जो कि क्यों काम करती है, क्या काम करती है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहां से हमने कनेक्ट किया और यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, क्या किया गैल्वेनोमीटर यहां से कनेक्ट किया, और इसको हमने यहां पे जोकी की मदद से क्या किया, जोकी की मदद से हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। वो कुछ ऐसे किया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऐसे हमने जोकी की मदद से यहां पे कनेक्ट कर दिया है। जोकी एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या है कि इसको हम इस एक वायर से कनेक्टेड है, इसको क्या है ऐसे ऐसे खींच हम इस इधर उधर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं वायर पे, वायर पे यहाँ भी स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ भी स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड करने का काम करती है जोकी, ठीक है ना। तो जोकी से आज डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है जो कि किससे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर बी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जोकी का क्या क्या काम है, वो काम ये है कि इधर या इधर हम स्लाइड कर सकते हैं, तो हम स्लाइड कर सकते हैं। तो क्या है कि ये जो लेंथ है, इधर की जो लेंथ और इधर की लेंथ, इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये जो कि जहां मान लीजिए कनेक्टेड है, उस पॉइंट की डिस्टेंस अभी यहां से एक्स है, कितनी है एक्स है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का जो कि जहां से कनेक्टेड है और इस ए पॉइंट तक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स इंटू लेमडा, क्योंकि एक्स क्या है सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर ये लेंथ है, और लेमडा क्या है, लेमडा ओम पर सेंटीमीटर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू लेमडा, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर इस सेटअप को अगर हम देखें, इससे कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, उससे पहले हम आपको समझाएंगे कि इस सेटअप को हम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ ये सेटअप है, इसको वहां व्हीटस्टोन ब्रिज बना के अगर देखें तो बहुत आसानी हो जाती है समझने में। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखने की कोशिश करें, तो देखो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं है, इसको देखो मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट मान लिया बी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और हमारी बैटरी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए सी के बीच में। तो ए सी मान लो, ए पॉइंट ऐसे मान लो और सी पॉइंट ऐसे मान लो, ठीक है। तो हमने बैटरी को यहां पे इससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहां से हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। और हमें पता है कि अगर मैं कहूं बी पॉइंट किसी को मान लो और एक पॉइंट इसको मान लो जहां पे जॉकी कनेक्टेड है, इस पॉइंट को मान लीजिए आप कुछ एक्स मान लीजिए, ठीक है, नहीं कुछ डी मान लीजिए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए जहां पे जॉकी कनेक्टेड है, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए आप, इस पॉइंट को डी मान लीजिए जहां पर रॉक जॉकी कनेक्टेड है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका डी और ये पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, ए और बी के बीच में लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और बी और सी के बीच में क्या लगा है, देखो ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, बी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस, तो बी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस एस लगा हुआ है जिसको हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में तो रेजिस्टेंस इज 100, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका 100 माइनस एक्स इंटू लैम्डा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में लगा हुआ है एक्स इंटू लैम्डा, ठीक है, मतलब एक्स लैम्डा रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। और जो बी और डी के बीच में लगा हुआ है, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और हम अगर बात करें कि इसमें होता क्या है, अगर अगर इस सर्किट में करंट जीरो हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मान लीजिए एक आरबी जो है, आरबी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन राइट आरबी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स इंटू लेमडा इक्वल टू, देखो आर बी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एक्स इंटू लेमडा इक्वल टू एक्स लेमडा इंटू एस, मतलब एस इंटू एक्स लेमडा, ठीक है। ये कंडीशन क्या है,
फुलफिल हो जानी चाहिए। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से देखूं मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एस की वैल्यू चाहिए तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो एस हो जाएगा आपका, एस विल बी इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा गया, तो हम ये जो एस हो जाएगा वो हो जाएगा आर बी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा एस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां पे, देखो आरबी तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो हमारे हाथ में है, तो मान लीजिए हमने कुछ रेजिस्टेंस हमने उसमें से खींच रखा है, उसका प्लग किसी का खींच रखा है, मतलब हमने वहां पे कुछ रेजिस्टेंस हमने कर रखा है, आरबी की वैल्यू फिक्स कर रखी है, ठीक है। मान लीजिए 10 ओम आरबी की वैल्यू हमने प्रैक्टिकल में फिक्स कर रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों सिस्टम को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मैं बताऊं आपको कि मैं इसको वेरी करता हूं, जोकी को क्या करता हूं यहां से शिफ्ट करना शुरू कर देता हूं ऐसे। तो जिस एक्स की वैल्यू पर, जिस एक्स की वैल्यू पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। डिफ्लेक्शन जीरो हो जाने का मतलब ये वैलिड, देखो जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है मतलब ये वैलिड नहीं है, तो डिफ्लेक्शन जब जीरो हो जाए इसका मतलब ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तभी तो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ना, जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है तब तक ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। तो इक्वेशन वैलिड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि डिफ्लेक्शन जीरो मतलब एक ऐसी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है जिस पर डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। उस एक्स की वैल्यू को कहां रखते हैं, फिर यहां पे रखते हैं, और देन वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एस, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी। इसमें करना क्या है आपको कि जब तक हम इसको जोकी को हिलाते रहते हैं जब तक हमें क्या ना मिल जाए, डिफ्लेक्शन जीरो ना मिल जाए गैल्वेनोमीटर पे, और जब डिफ्लेक्शन जीरो मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर पे तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो मान लीजिए किसी एक्स पर क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो है, देन you can put that value of x in this equation, then you can find the value of s, ठीक है। So this is all about the meter bridge. अब आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि ये बिल्कुल सिंपल है, सारा जो लास्ट सेटअप था हमारा क्या था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है, वो भी उससे भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, इससे भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है ये सेटअप, ठीक है, लिखिए। So now we will talk about the color code for carbon resistance. किसकी बात करेंगे, कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो कुछ ऐसा ये रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। और इस पे मैं आपको बता दूं तीन स्ट्रिप होती हैं कुछ स्ट्रिप, ठीक है, और ये स्ट्रिप कुछ अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अलग अलग कलर की तीन स्ट्रिप होती हैं, और मैं आपको बता दूं एक और होती है टी, एक और स्ट्रिप होती है जिसको बोल दूं यहां पर ब्लैक से बना देता हूं, जिसको मैं मान लीजिए टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इनको मैं कर रहा हूं एक्स वाई एंड जेड से, कितने एक्स वाई एंड जेड, एक्स फर्स्ट वाली, वाई सेकंड वाली, एंड थर्ड वाली क्या है, जेड है, ठीक है। और जो टी होती है ना, ये थर्ड जो नेक्स्ट ये वाली स्ट्रिप जो होती है वो होती है गोल्डन या सिल्वर या नो बैंड, ठीक है, मतलब या तो यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं है, यहाँ पे या हो सकती है गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, ठीक है ना। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले ये देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं अगर ऐसा आपको दे रखा है तो ये कलर देख के ना आप रेजिस्टेंस डिसाइड कर सकते हो, क्या कि उस कार्बन रेजिस्टेंस जो है ना उसका रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, उसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये कलर देख के आप बता सकते हो। पता कैसे बता सकते हो, वो ऐसे बता सकते हो कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना इसके लिए, वो होती है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स उनको कुछ नंबर दिया जाता है, क्या दिया जाता है उनको, कुछ नंबर। तो वो कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। तो यहां पर जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है,
ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यूज है. क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यूज है. मान लीजिए जो पहली स्ट्रिप है ना, पहली स्ट्रिप वो ब्लू कलर की है. किसकी है? ब्लू कलर की. तो एक्स की वैल्यू क्या ली जाएगी? एक्स की वैल्यू ली जाएगी ब्लू कलर के लिए 6. समझ आ रही है? ब्लू कलर के लिए कितनी ली जाएगी? 6. ठीक है. और ऐसे वाई यहां पर रेड कलर की है तो रेड के लिए वाई की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 2. और जो ग्रीन है, ग्रीन इधर, हाँ ग्रीन ये रहा, तो ग्रीन के लिए जो जेड की वैल्यू जो ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? 5. ठीक है. तो ये जो वैल्यूज है वो जीरो वैल्यू किसके लिए? ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 एंड येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9. ठीक है. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें मैंने कलर बना दिए हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रिप किसकी है? बोलो ब्लू की. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो ब्लू, ब्लू 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 पे 6. और यहाँ पे सेकंड स्ट्रिप मैंने रेड की बनाई है तो रेड के लिए कितनी वैल्यू होगी वाई की? बोलो ये हो गई आपकी रेड की 2. ठीक है. और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप है तो जेड की वैल्यू होगी ग्रीन के लिए 5. ठीक है. तो ऐसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. ठीक है. इसको याद करने का एक तरीका आप याद कर सकते हैं, बीबी 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 रॉय बीबी रॉय. ठीक है. बीबी रॉय अब लिख सकते हैं ग्रेट बॉय. ठीक है ना, ग्रेट बॉय अब ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है. ऑरेंज के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं ग्रेट बॉय. देखो बीबी रॉय. ठीक है. रॉय में क्या आ गया? ओ वाई भी आ गया. देखो बीबी रॉय. ठीक है. अब ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ ऐसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है. क्या है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ. ठीक है. ऐसे याद कर सकते हैं. बीबी रॉय क्या है? बहुत अच्छा लड़का है जिसको क्या मिलेगी? अच्छी वाइफ मिलेगी. ऐसे आप याद कर सकते हैं. ठीक है. तो बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ. ठीक है. बीबी रॉय. ठीक है. रॉय में 3 आ गए. ठीक है. बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ. अब इसमें थोड़ा चक्कर पड़ सकता है. देखो ब्लू और ब्राउन और ब्लैक में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक पहले आएगा, ब्राउन बाद में आएगा, ब्लू फिर उसके बाद में आएगा. तो ऐसा नहीं, तो ध्यान रखना. बीबी रॉय बीबी जो शुरुआत की बीबी है उसमें क्या आता है? ब्लैक एंड ब्राउन. ठीक है ना. और जो बाद में जो बी आती है थर्ड टाइम उसमें ब्लू आता है. तो ध्यान रहे. ठीक है. बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ. ठीक है. ऐसे आप याद कर सकते हैं इन नंबर्स को. ठीक है. ये बेसिकली बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपको मेंस में पूछ ले तो पूछ ले, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. ठीक है. अब सुनो, इसके लिए जो फॉर्मूला दिया है हमने वो क्या दिया है? हमने नहीं, जो भी फॉर्मूला आया है, 10x + y ((10^z) ये क्या दिया है? (10^z) ये इनटू का साइन है. ठीक है. क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन है. ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. ठीक है. ये रेजिस्टेंस का आपको क्या है? फॉर्मूला है. और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कलर देख के निकाल सकते हो और कलर का जो नंबर है वो मैंने ऐसे आपको बता दिया है. ठीक है. तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आर की वैल्यू निकालूं तो 10 × बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी इसमें? 6 प्लस वाई की वैल्यू 2. ठीक है. इंटू 10^2 कितना? 5. ठीक है. तो ये आपका इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो दिस इज हो जाएगा कुछ 62 × 10^5 ओम. तो ये कुछ इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे हम कार्बन, जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है ना, कार्बन रेजिस्टेंस, उसके लिए हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब मैं आपको बता दूं कि जो चीज टॉलरेंस की बात करता हूं, ये टी जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉलरेंस को. मतलब अगर ये गोल्डन कलर की है तो देखो एक चीज और लिखा देता हूं, 5% टॉलरेंस फॉर गोल्डन, गोल्डन कलर. ठीक है ना, किसके लिए? गोल्डन कलर के लिए. एंड 10% फॉर सिल्वर कलर और 20% फॉर नो बैंड. ये जो है, जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? ये हम बोल सकते हैं ये वैल्यू आपकी जो है वो है टॉलरेंस की वैल्यू. किसकी? टॉलरेंस की वैल्यू. ठीक है. टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझो. ये चीज आप समझ लो कि ये बैंड टी का मतलब है टॉलरेंस. अगर ये गोल्डन कलर का है, ये किसका है मान लीजिए? गोल्डन कलर का.
तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया है ना, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट होके आया, इतना। मान लीजिए अगर ये गोल्डन कलर का है तो रेजिस्टेंस में जो एरर हो सकती है वो हो सकती है 5%, मतलब प्लस माइनस 5%। मान लीजिए इन स्ट्रिप के कलर से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाली, मान लीजिए 100 ओम, ठीक है। इन स्ट्रिप के कलर से ये फॉर्मूला लगा के आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकाली, 100 ओम। अगर ये स्ट्रिप जो है वो क्या है, गोल्डन कलर की है, तो जो एरर हो सकती है वो कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 5%। मतलब रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो आपका वेरी कर सकता है 95 से 105 तक। समझ आ रही है? क्योंकि 5% का मतलब कितना हुआ, मान लीजिए 5% का मतलब हुआ 5, तो 5 या तो कम हो सकता है या 5 ज्यादा हो सकता है, मतलब इस रेंज के बीच में आपका रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये फॉर्मूला एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता, समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये कहेंगे कि गोल्डन यहाँ पे होगी तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो अच्छी आएगी, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस जो होगी ना वो क्या होगी, कम होगी। और 95 से 105 के बीच में हमारा, 95 ओम से 105 ओम के बीच में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी तो वो इतनी ही होगी, ठीक है ना। ये आपको जो ये कलर है वो ये बताता है। तो मान लीजिए अगर ये सिल्वर स्ट्रिप है, ये टी की वैल्यू, मतलब जो टी वाली जो स्ट्रिप है टॉलरेंस, वो क्या है, सिल्वर कलर की है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस आर कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, 100 ओम अगर आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 से 110 ओम के बीच में, ठीक है। अगर यहां पे कोई भी बैंड नहीं है, नो बैंड है, तो नो बैंड के केस में हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 80 से 120 के बीच में। तो अच्छा वाला रेजिस्टेंस, अच्छा वाला कार्बन रेजिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप होनी चाहिए, जिससे कि जो टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो कम होगी 5%, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 5%, ठीक है ना। तो ये 100 के लिए ये, तो ये कह सकते हैं आर होगा प्लस माइनस 5%, मतलब इसका 5% या तो ज्यादा, इसका 5% या कम, उन दोनों के बीच में इसकी रेजिस्टेंस की रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, और ये याद रखिए बस, ठीक है, जल्दी लिखिए इसको।